आज हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, तो मेरी एक किस्म की घर वापसी हुई है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का कि जिन्होंने मेरे पे एक बार फिर भरोसा जताया और मुझे दोबारा अनअपोज्ड JNKUT का अध्यक्ष बनाया है NDPI का। आज से हमारा यही कार्य रहेगा कि हमारा जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस किस तरह करनी है, क्योंकि ये पार्टी जो है एक विकल्प के तौर पे उभरी है और बहुत जल्द आप देखना कि हमने मैक्सिमम यहाँ पर नारी शक्ति और युवा शक्ति को लेके साथ चल रहे हैं, क्योंकि नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जब वो कुछ ठान लेती है तो फिर, जैसा कि मैं उनका कंपैरिजन झांसी की रानी से करूंगा, हमारी हर महिला झांसी की रानी है और ये चीज़ जल्दी साबित हो जाएगी। मैं मेरे हिसाब से दो चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं, एक तो तलवार, दूसरी होती है कलम, लेकिन उन दो से भी जो तीसरी है वो है वुमेन पावर। सर, ड्यूटी करी हुई है स्टेट रोड को लेकर, आपकी पार्टी का क्या? हमारी पार्टी ये इसको आपके माध्यम से अभी से डिमांड करती है कि हम स्टेट रोड को वापस लाएंगे और साबित करेंगे, इसको वापस ला के दिखाएंगे। जिस तरह दीवार सड़कों पे है, स्क्रैप होगी, 4-5 लिस्ट स्क्रैप होगी, 15 करोड़ पे आप सरकार ने हैंड लिया, बच्चों को कुछ नहीं मिला, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैंने जैसे कि पहले भी कहा, हम जल्दी ही अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं और ये ऐसा एक घोषणा पत्र होगा जिसमें हम रेवड़ियां नहीं बांटेंगे, एक प्रैक्टिकल शेप में वो होगा, क्योंकि लोग आजकल बहुत समझदार हो गए हैं। वो खाली फ्री 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 वो नहीं चलता यहाँ पर, फ्री बिजली पानी, फ्री बिजली पानी, फ्री ये, जहाँ तक फ्री का सवाल होगा कुछ चीज़ें वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएंगी, हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन को और कुछ। जैसे ही हम घोषणा पत्र जारी करेंगे आपको पता चलेगा कि हमारी पार्टी की क्या विजन है। हाँ, मैं तीन रंग का है, पहला रंग है पर्पल, पर्पल ये डिस्क्राइब करता है विमेन, और विमेन को हम सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी पार्टी में। और नंबर टू है ऑरेंज, ऑरेंज दर्शाता है यूथ, और ग्रीन दर्शाता है हेल्थ, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और एनवायरनमेंट। तो ये सारे चीज़ों को आपको कुछ तो झंडे में से ही हमारा मोटिव समझ आ गया होगा। तो आगे ये झंडा जो कामयाब करना है वो करेगी नारी शक्ति और युवा शक्ति, और आप देखना आने वाले दिनों में यहाँ पर एक जलजला आएगा NDPI का, और यहाँ पर जिस प्रकार नारी शक्ति और युवा शक्ति मिलकर जम्मू कश्मीर के लिए निकलेंगे तो एक मिसाल बनेगी जो आज तक कभी नहीं हुआ है, वो आज होगा, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ।